गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम रचना प्रसून पुस्तक से पाठ 7 वचन का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, वचन को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। वचन को हम चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों को पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, ये क्या है? एक तितली। ये क्या है? तीन तितलियां। ये क्या है? एक गेंद। ये क्या है? चार गेंदें। अब तितली तथा गेंद कहने से उनके संख्या में एक होने का पता चलता है, इसलिए ये एकवचन शब्द हैं। जबकि तितलियां और गेंदें कहने से उनके संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है, इसलिए ये बहुवचन शब्द है। तो बच्चों, हमने सीखा कि शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। बच्चों, वचन दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक एकवचन, नंबर दो बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे साइकिल, खिलौना, बकरी। बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे साइकिलें, खिलौने, बकरियां। बच्चों, अब आप एकवचन और बहुवचन अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम वचन निर्धारण के कुछ नियम सीखेंगे। नंबर एक, व्यक्तिवाचक व भाववाचक संज्ञाएं सदैव एकवचन में प्रयुक्त होती हैं। नंबर दो, वचन की पहचान संज्ञा व क्रिया से भी होती है। नंबर थ्री, कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दूध, पानी, जनता, भीड़, वर्षा आदि। यानी ये शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। नंबर चार, कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, बाल आदि। नंबर पांच, कभी कभी आदर देने के लिए भी एक वचन के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं, जैसे पापा काम पर जा रहे हैं। पापा एक वचन शब्द है, लेकिन इसके साथ बहुवचन की क्रिया का हम प्रयोग कर रहे हैं कि आदर देने के लिए बहुवचन की क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे पापा काम पर जा रहे हैं। बच्चों, अब हम कुछ एकवचन व बहुवचन शब्दों को इन उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। दरवाजा एकवचन शब्द है, दरवाजा का बहुवचन होगा दरवाजे। कपड़ा एकवचन शब्द है, कपड़ा का बहुवचन होगा कपड़े। मेला एकवचन शब्द है, मेला का बहुवचन होगा मेले। भेड़ एकवचन शब्द है, भेड़ का बहुवचन क्या होगा? भेड़ें। पत्ती एकवचन शब्द है, पत्ती का बहुवचन होगा पत्तियां। कली एकवचन शब्द है, कली का बहुवचन होगा कलियां। ठीक इसी तरह से चींटी चींटियां, घाटी घाटियां, बस्ती बस्तियां, मक्खी मक्खियां, देवी देवियां, घड़ी घड़ियां, रीति रीतियां, जाति जातियां, लिपि लिपियां। तो बच्चों, अब आप एकवचन और बहुवचन शब्दों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
वह घर पर इसको पढ़कर समझने का अभ्यास करेंगे। आगे का हम सेकेंड टर्म में पढ़ेंगे। धन्यवाद।